ओके हेलो एवरीवन, लास्ट टाइम जो किया था आई थिंक बताया था, मेट्रिक सिस्टम बताया था, एसआई सिस्टम बताया मैंने आपको कि कैसे क्या किसका क्या एसआई यूनिट है, बेसिक थिंग्स हमने अभी तक करी है इस चैप्टर की। आज जो हमने करना है साइंटिफिक नोटेशंस करना है और सिग्निफिकेंट फिगर्स मैं बताऊंगी कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशंस में हमने जनरली देख लेना है, अच्छा एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं ये सब आपको पता होगा। जनरली एक मोल में मतलब केमिस्ट्री की जब हम बात करें ओब्वियसली हमको एक बहुत बड़े बड़े नंबरों के साथ डील करना पड़ता है। आपको याद हो एक मोल में 6.022 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्लियर। तो अगर मैं नॉर्मली ऐसे खोल के देखूँ इसको मतलब 10 की पावर में ना लिखूँ तो देखो ये नंबर कितना बड़ा है, ये देखो हेयर 6020000 देयर सो मेनी जीरो आफ्टर दिस टू, ठीक है। तो मतलब ये नंबर बहुत बड़ा लग जाता है ना देखने में लग रहा है, ऑब्वियसली इस नंबर को बार बार लिखने में भी बहुत टाइम लगेगा, है ना। सिमिलरली जैसे हाइड्रोजन गैस या हाइड्रोजन जो 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है उसका इन्होंने बताया कि मास ऑलमोस्ट हाइड्रोजन एटम का कितना है 0.00000 बहुत ज़्यादा आगे 166 है, ठीक है। तो ये बहुत बड़े नंबर हैं, ठीक है। इनको कन्वीनियंट तरीके से लिखने के लिए हम अक्सर इन नंबर्स में को 10⁻²² के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको ऊपर दिखाया भी ये जो एवोगैड्रोस नंबर है, एवोगैड्रोस नंबर वही जो एक मोल में जितने मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, Na जिसे बोलते हैं उसे ये एवोगैड्रोस नंबर बोलते हैं, उसका जो वैल्यू होता है 6.022 × 10⁻²³, ठीक है। ओके ये इजी वे है एक बड़े नंबर को लिखने का। अगर छोटा नंबर है जैसे 0.000 है तो वो 10 की पावर माइनस में जाएगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। ओके अगर बड़ा नंबर है तो ऑब्वियस बात है 10 की पावर प्लस में जाएगा। ओके नाउ इसको हम जो ये जो तरीका है हमारा कि n इंटू 10⁻N, ठीक है, कोई नंबर इंटू कोई 10 की पावर में भी कोई नंबर हम लिखते हैं, कोई बड़े नंबर को अगर हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो इसे बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन, ठीक है। ये आपकी एक्सपोनेंशियल नोटेशन है, आपका जो n है 10⁻N है ना, ये स्मॉल n जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि अगर नंबर बड़ा है तो ये वैल्यू जाहिर सी बात है पॉजिटिव होगा, अगर नंबर ऐसे 0.00 समथिंग की फॉर्म में है तो ये नंबर नेगेटिव होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, हाँ, कि ये जो आपके एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो अभी बताई हमने, ठीक है, इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे करना है, ये तो हालांकि वैसे मैथमेटिक्स में बच्चों को बता दिया जाता है बट स्टिल केमिस्ट्री में इसका यूज है तो हमें इसको हल्का सा आपको रिवाइज कराना पड़ेगा। जैसे अगर ये दो नंबर है 5 × 6 × 10⁻⁵ × 6.9 × 10⁻⁸, ठीक है, ये जो दो नंबर है इनका मल्टीप्लाई किया है ना, तो क्या करेंगे जो 10 की पावर में 5 है और इधर क्या है 10 की पावर में 8 है, ये एक दूसरे से क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, है ना। तो मैंने इनको बता दे कि एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब ऐसा कोई नंबर आपको दिखे ना, ये 10 की पावर कुछ है कोई नंबर, फिर इधर भी 10 की पावर में कोई नंबर है और ये जो दो नंबर है 10 की पावर वाले ये आपस में क्या है मल्टीप्लिकेशन में है, तो इनकी जो पावर होती है वो एड हो जाती है, पता होगा, है ना। तो यहाँ पर इस 10 की पावर 5 और इस 10 की पावर 8 यहाँ पर देखो एड हो गया 10⁻⁵ + 8। बाकी जो रिमेनिंग नंबर है क्या, रिमेनिंग नंबर क्या है यहाँ पे, जो दूसरा था 5.6 और इधर क्या था 6.9, ये भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि यहाँ पर बीच में कैसा साइन है मल्टीप्लिकेशन का है। तो इनको अलग कर लिया, जो 10 की पावर में नहीं थे उनको अलग कर लिया और जो 10 की पावर में थे इनको अलग कर लिया, ठीक है। ओके इसको सॉल्व करके हमारे पास आया था 38.64 × 10⁻³, ठीक है। इसको फर्दर हमने सिंप्लीफाई कर लिया, कैसे किया, एक डेसिमल प्लेस इधर मूव करो, मतलब इस नंबर को 10 से डिवाइड करो और 10 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। जब इसको आप 10 से डिवाइड करोगे तो नंबर क्या बन जाएगा 3.864, और मैंने क्या किया था इधर 10 से मल्टीप्लाई भी तो करना था, है ना। 10 से डिवाइड 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि नंबर में कोई चेंज है ही नहीं, ठीक है। ओके जब आपने 10 से मल्टीप्लाई किया इधर तो ये 13 था और इधर 10 1 है, 13 + 1 क्या हो जाएगा 14, 10⁻⁴, ठीक है। नाउ अगर आपके नंबर से माइनस की पावर में है 10⁻⁔ है, इधर भी क्या है 10⁻⁶ है और ये जो दो नंबर है ब्रैकेट में जो नंबर लिखे हुए हैं ये आपस में मल्टीप्लाई है, इनको मल्टीप्लिकेशन करना है तो क्या होगा इनकी पावर को भी ऐड करना होगा, -2 + -6 कितना जाएगा -8 आ जाएगा, और इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया
तो पता चला कितना आया 24.50। अब क्या करेंगे, इस नंबर को 10 से डिवाइड कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जब आप इसको 10 से डिवाइड करेंगे ना बच्चे, तो ये क्या बन जाएगा 2.457, है ना, सॉरी 450। ओके, और जब यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया, 10^1, 10 खाली 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10^1, है ना, तो -8 और इधर क्या है प्लस का 1 है, तो -8 और प्लस 1 क्या हो जाएंगे, -7 हो जाएंगे, तो इधर आ गया 10^-7। सिमिलरली एडिशन और सब्सट्रैक्शन कब कर सकते हैं, देखो मल्टीप्लीकेशन के लिए और मैं बता दूं डिवीजन के लिए, अब डिवीजन भी बता देती हूँ, सॉरी डिवीजन भी बताती हूँ, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि इन दोनों, ये जो दो नंबर जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, जो ब्रैकेट में आप नंबर देख रहे हो ना, एक ये नंबर है और एक ये नंबर है, ये जो दो नंबर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, इनके जो सेम इनका सेम एक्सपोनेंट हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता, है ना, इधर -2 है इधर -6 है, एक्सपोनेंट क्या होता है, जो 10 की पावर में लिखा है आपने, ठीक है, ओके। तो डिवीजन में और मल्टीप्लीकेशन में एक्सपोनेंट सेम नहीं भी होगा तो भी चलेगा, ठीक है। एक डिवीजन का भी देख लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन में जैसे पावर्स को ऐड करते हैं ना, एक्सपोनेंट मतलब वही पावर्स, ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन में ऐड करते हैं, तो डिवीजन में क्या करते हैं, माइनस करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, ओके। यहाँ पे देखो 2.7 इंटू 10^-3 को डिवाइड कर रहे हैं 5.5 इंटू 10^4। देखो अब ये जो 4 है ये इसके इधर -3 है, ये प्लस का 4 है, इन दोनों ये दोनों एक दूसरे से को क्या करें, डिवाइड करें। पहले तो इसकी वैल्यू अलग से निकाल लो, 2.7 डिवाइड बाय 5.5, ठीक है, इसको अलग कर लो, फिर 10^ वालों को अलग कर लो, 10^2 वालों को अलग कर लो, इधर -3 है इधर +4 है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -4, तो मतलब -3 -4 कितना आ गया 10^-7 आ गया। फिर देखो यहाँ पे क्या था 0.4909 है, हम कैसे लिख रहे हैं, हम ऐसे लिख रहे हैं एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा रहे हैं, जनरली ये जब हम लिखते हैं जनरली हम क्या करते हैं एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाते हैं, तो 4.909 इन्होंने क्या किया 10 से मल्टीप्लाई किया है और 10 से डिवाइड किया है, जब मल्टीप्लाई किया है ना इसको तो क्या बन गया 4.909, और जो डिवीजन में 10 था वो ऊपर जाएगा पावर में, है ना, तो -7 और -1 क्या हो जाएंगे -8, ठीक है। ये ऐसे मैथमेटिक्स है, सिंपली मुझे लगता था कि मुझे इसको समझाने की जरूरत है, बट यहाँ पर इसका पार्ट है तो ऑब्वियसली कराना ही था। अब मैं आपको बता दूं कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए ना पावर सेम होनी चाहिए, जैसे कि ये है नंबर 6.65 इंटू 10^4 और उसके बाद क्या है 0.895 इंटू 10^4, ठीक है, इन दोनों नंबर को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ऐड करके इंटू 10^4 कर दो, ठीक है, तो वैल्यू आ गई 7.545 इंटू 10^4, ओके। अब यहाँ पर देखिए इसको सब्सट्रैक्ट कैसे करेंगे हम, इधर एक नंबर है इधर एक नंबर है, इसको एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट कैसे करना है, तो पावर सेम होनी चाहिए, पावर सेम करने के लिए क्या करें, अब इधर देखो -2 है इधर क्या है -3 है, तो इसको कैसे कर सकती हूँ मैं, वही करो 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड, ठीक है, जब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 10^-2 और जब आप 4.8 को 10 से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा 0.48, ठीक है, क्लियर। अब देखो अब ये पावर सेम हो गई है ना, तो पावर को बाहर निकाल लो और ये जो नंबर है इनको सब्सट्रैक्ट कर दो, ठीक है, सिंपल है। अब जो मेन काम है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालना, ठीक है, ये मैं दिखा देती हूँ आपको सिग्निफिकेंट फिगर निकालते हैं, इससे कुछ रूल है, आपको क्वेश्चन आता है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स बताओ, पर्टिकुलर नंबर में बताएगा, पूछेगा कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ओके, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो कुछ एक रूल्स हैं, एक बार याद रखना, देखो ऐसा कोई नंबर, यहाँ पे देखो रूल्स मैंने खुद से लिख दिए यहाँ पे, ऐसा कोई नंबर विदाउट डेसिमल, ठीक है, ऑल जीरो आर नॉन सिग्निफिकेंट, तो वो नॉन सिग्निफिकेंट मानी जाती है, अगर कोई नंबर बिना डेसिमल के है तो उसकी जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद ऐसा नंबर जो डेसिमल के साथ है, विद डेसिमल है, उसमें सभी जीरो जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में होगी किसी नॉन जीरो नंबर के, ठीक है, किसी नॉन जीरो नंबर के लेफ्ट हैंड साइड में जो जीरो है वो क्या होंगी, वो सिग्निफिकेंट होंगी, ठीक है। वेयर एज इन अ नंबर विद डेसिमल जो जीरोस राइट हैंड साइड में है डेसिमल के, किसी नॉन जीरो नंबर के राइट हैंड साइड में है, वो सब भी सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। अभी मैं बताती हूँ इसका मतलब क्या है, वेट, तो
तो जनरली अभी देखो यहाँ पर एक दिखाती हूँ, एक मिनट, ओहो कहाँ गया, हाँ ये रहा, देखो यहाँ पे देखो ये 285 है, ठीक है 285 है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई डेसिमल है नहीं है, है ना, और कोई जीरो दिख रही है, कोई जीरो भी नहीं दिख रही है, तो यहाँ पर ये तीनों के तीनों नंबर क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे, ठीक है। तो इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखो 0.25, 0.25 ml, तो देखो अभी क्या है यहाँ पर, ये जो नॉन जीरो नंबर है कौन सा है, 5 और 2, ठीक है। इसके इधर जो डेसिमल से पहले होगा ना, इसको सिग्निफिकेंट नहीं माना जाता, ये जो नॉन जीरो नंबर है ये ही आपके सिग्निफिकेंट नंबर कहलाएंगे, ठीक है। उसके बाद डेसिमल से पहले कोई भी जीरो होगा उसको सिग्निफिकेंट नहीं मानना है, ठीक है, ओके। अभी जो सेकंड रूल क्या कहता है, अगर ऐसा हो कि डेसिमल के बाद जीरो हो, जैसे ये नंबर है 0.0052, ठीक है, ये डेसिमल के बाद वाले जीरो हैं, तो यहां पर अब ये इसकी किस तरफ है, आप देखो यहाँ पर ये जो जीरो है आपके ये सिग्निफिकेंट नहीं माने जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये वाले जो जीरो है ये सिग्निफिकेंट नहीं है, सिर्फ 5 और 2 को ही सिग्निफिकेंट माना जाएगा। उसके बाद जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, दो नॉन जीरो डिजिट्स कौन सी है यहाँ पे, 2 है और 5 है, इनके बीच में जो जीरो आएंगे वो आपके सिग्निफिकेंट माने जाएंगे, ठीक है। मतलब एक डिजिट अगर डेसिमल से पहले इधर है और एक बाद में है इधर पीछे, और इन दोनों के बीच में कोई जीरो आ रहा है, 2 या 3 जीरो आ रहे हैं, तो वो जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। तो मतलब हम बोलते हैं कि दिस नंबर हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, ओके। उसके बाद राइट वाले जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं ना, मैंने बताया था अभी, 0.200 ग्राम हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, इसके क्या है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो राइट हैंड साइड पे अगर डेसिमल के बाद कोई नंबर है और उसकी राइट हैंड साइड पे जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट है, वेयर एज डेसिमल के बाद कोई नंबर है जैसे 5 2 है ना, नंबर है नॉन जीरो नंबर है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड में कोई जीरो आ रही है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, ठीक है, ओके। लेफ्ट हैंड साइड वाली सिग्निफिकेंट नहीं होगी डेसिमल के बाद, ठीक है, और राइट हैंड साइड वाली सिग्निफिकेंट होगी, ओके। इसके बाद देखो यहाँ पे मैंने एक ही रूल बताया था, 100 है ना, अब ये कैसा नंबर है, ये विदाउट डेसिमल नंबर है, तो विदाउट डेसिमल नंबर में जो जीरोस होती हैं, ठीक है, वो सिग्निफिकेंट नहीं होती, ठीक है। जो अगर किसी नॉन कोई आपके पास विदाउट डेसिमल नंबर है उसमें कोई जीरो आ रहा है, ठीक है, तो वो जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आता, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ एक ही है, दैट इज योर 1, ओके। यहाँ पर एक चीज जो मैं आपको डेफिनेशन भी दिखा देती हूँ सिग्निफिकेंट फिगर्स की, तो ऐसे हमें जरूरत क्या पड़ेगी सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड आउट करने की, क्यों हम कर रहे हैं तामझाम सारा, क्योंकि जनरली जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग मेजरमेंट कुछ ना कुछ एरर हमसे होता है, ठीक है, मे बी वो ह्यूमन एरर कह लो, चाहे मे बी शायद मान लो आपने थोड़ा सा ज्यादा डाल दिया मार्क्स से, या फिर वो इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट नहीं मेजर कर रहा थोड़ा, पर जो एरर आता है ना वो बहुत स्मॉल होता है, इट्स लाइक 0.00, ठीक है, ऐसा हो सकता है 0 point something कुछ होगा, ऐसा नहीं होगा कि 2 ml कम आ जाएगा, 100 ml का बीकर है और वो 98 ml उसमें वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं होता, ठीक है, जो एरर आता है वो बहुत स्मॉल अमाउंट होता है, ठीक है, क्लियर। तो हमें जो अनसर्टेनिटी बतानी होती है किसी भी एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, और जो आपने वैल्यू कैलकुलेट करी है कहीं से भी, ठीक है, वो हम बताते हैं बाय मेंशनिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पर एक चीज लिखी है, तो यहाँ पर एक चीज देखो, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स एक मीनिंगफुल डिजिट्स हैं, मतलब इसमें हम सिग्निफिकेंट समझ गए ना, मतलब ये हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, लाइक इसमें सर्टिनिटी है, सिग्निफिकेंट का मतलब क्या है, इसमें सर्टिनिटी है, मीनिंगफुल डिजिट्स, अगर मैं बोल रही हूँ ना कि ये सिग्निफिकेंट फिगर है, फिगर आ रहा है इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वो जो 2 नंबर है वहां पर हम थोड़ा सर्टेन है, और जहाँ जिसको हम सिग्निफिकेंट नहीं कंसिडर कर रहे ना, इसका मतलब वहां पर सर्टेनिटी नहीं है, ठीक है, ओके। अब देखो जैसे 11.2 ml है, वैसे तो मैं सर्टेन अनसर्टेन की बात बता दूं हल्का सा, 11.2 ml का वॉल्यूम है, तो हमको इतना पता है कि जस्ट जनरली हम जिस भी इंस्ट्रूमेंट से इसको मेजर कर रहे हैं लैब में,
तो मतलब ऑलमोस्ट अगर हमने ध्यान से किया है तो डैम श्योर कि 11 तो सर्टेन ही होगा, मतलब 11 ml के आसपास ही होगा। एरर कहाँ पे आ सकती है? एरर ये आ सकती है कि शायद किसी के पास वो वॉल्यूम 11.2 आ रहा हो, किसी के पास वो वॉल्यूम क्या आ रहा हो 11.3 हो, किसी के पास 11.4 हो। मतलब मैंने बताया ना 0 point something में आपका एरर आ सकता है। तो यहाँ पे जो 2 है ना ये ही अनसर्टेन होता है, ठीक है? क्लियर, ये एग्जाम्पल देने के लिए बता रही हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर एक चीज समझ में आ गई कि सर्टेन और अनसर्टेन क्या हुआ, ठीक है? उसके बाद ये मैं बता दूं कि जो 10 की पावर में कुछ होता है ना, इसको सिग्निफिकेंट मत मान लेना, ठीक है? 10 की पावर में कुछ भी आएगा, -3 -2 कोई नंबर दिख रहा है, 4.01 × 10^2, ठीक है? तो यहाँ पर ये ही 3 नंबर 401 यही क्या है, सिग्निफिकेंट है, ठीक है? सिग्निफिकेंट फिगर्स में आएंगे। और ये 10 और की पावर ये सब नहीं आता सिग्निफिकेंट फिगर में। सिमिलरली यहाँ पे देखो 10^-3 है, ये सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आएगा। कौन आएगा? 8.256। कितनी हो गई? 4 नंबर है, 4 फिगर है, 1 2 3 4। तो इस नंबर में कितनी आ गई? 4 सिग्निफिकेंट फिगर आ गई। उसके बाद दो चीजें हमने पढ़नी है, एक तो प्रिसीजन और दूसरा होता है एक्यूरेसी, ठीक है? कि कितना प्रिसाइज है कोई रिजल्ट आपका और कितना एक्यूरेट है। देखो आप क्या करते हैं, जब भी हम रीडिंग्स लेते हैं तो एक रीडिंग नहीं लेते हम, कंटिन्यूअसली 4 5 रीडिंग्स लेते हैं, ठीक है? 3 या 4 लेते हैं, तो जो हमारी वैल्यू आती है, 4 5 हमने रीडिंग ली, कोई एक्सपेरिमेंट किया, जो वैल्यू अगर आपकी क्लोजनेस है उसमें, क्लोजनेस मतलब वैल्यू आपके आसपास आ रही है, लाइक फर्स्ट टाइम मेरा आ गया 17.1, देन मेरा नेक्स्ट टाइम आ रहा 17.2, है ना? तो 17.1 एंड 17.2 आस क्लोज है ना एक दूसरे के। अगर ऐसा हो कि मेरा पहली बार मैंने एक्सपेरिमेंट किया तो मेरे जो रिजल्ट आया वो आ गया 19.2, ठीक है? 19.2 आ गया, और दूसरी बार जब मैं इसे परफॉर्म कर रही हूँ तो मेरा आ रहा है 23। तो कितना मतलब काफी गैप आ गया ना दोनों नंबर में, 19 और 23 क्लोज वैल्यूज नहीं है। क्लोज वैल्यूज क्या होती है? अभी जो बिल्कुल एक दूसरे के पास पास हो, लाइक आपका हो सकता है 17.9 आया, एक बंदे का आ गया रिजल्ट क्या 17.9, दूसरे का दूसरे ने वही किया तो क्या आया 18.1 आ गया। तो 17.9 और 18.1 ये एक दूसरे के क्लोज है ना, वैल्यू पास पास ही है ना, ठीक है? तो ये यहाँ पर हम देखते हैं कि, तो हम कह सकते हैं कि ये जो दो रीडिंग है ये प्रिसाइज है, ठीक है? प्रिसाइज मतलब क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट्स, ठीक है? ओके, देखो यहाँ पे मान लो एक ट्रू वैल्यू है, एक जो आपको किसी को वे करने के लिए दिया, कोई सब्सटेंस वे करने के लिए दिया, उसकी जो ट्रू मास है, उसका जो ट्रू वेट है दैट इज 2 ग्राम, ठीक है? ट्रू वेट है 2 ग्राम, वो टीचर को पता है। पहला स्टूडेंट आया ए, उसने 2 मेजरमेंट्स किए, उसने बताया कि इसका जो मास है वो 1.95 है और 1.93 है, ठीक है? 1.95 एंड 1.93, तो दोनों देखो पास पास ही है ना, 1.95 एंड 1.93, तो कोई मतलब क्लोजनेस है वैल्यू में, तो मतलब उसकी जो वैल्यू है वो प्रिसाइज है ना, दोनों वैल्यू प्रिसाइज है। पर क्या ये जो उसके जो उसका जो रिजल्ट है क्या ये एक्यूरेट भी है? आपको लगता है ये एक्यूरेट होगा? नहीं है ना। देखो एक्चुअल मास क्या है 2 ग्राम है और इसका 1.95 आ रहा है, इसका 1.93 आ रहा है, एक्यूरेट नहीं आ रहा ना, ठीक है? तो हम ये कहेंगे कि ये ऑल्दो ये क्लोज तो है बट ये एक्यूरेट नहीं है, ठीक है? उसके बाद देखिए, उसके बाद मैं बताऊंगी आपको कैसे एक्यूरेट देखना है, ये भी मैं बता दूंगी। स्टूडेंट भी है, उसने जो वे किया एक बार तो उसको 1.94 आ गया और दूसरी बार आ गया 2.05। तो अब ये प्रिसाइज लग रहा है आपको? क्या लगता है ये प्रिसाइज है? उसको कंपेयर करो आप, ए को देखो 9.5 और 9.3, इसका क्या रहा है 1.94 और दूसरी वाला 2.05, तो डेफिनेटली ये प्रिसाइज नहीं है और ये एक्यूरेट भी नहीं है। मैं बताऊंगी एक्यूरेट कैसे देखना, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, ठीक है? उसके बाद देखो सी, सी के पास ने 2 रीडिंग लिया, 2.01 और 1.99। तो आपको लग रहा है पास पास है वैल्यू, है ना? ऑब्वियसली पास पास है ना, ये 1.99 है, ये 2.01 है, ऑब्वियसली दे आर प्रिसाइज है, ये वैल्यू जो है प्रिसाइज भी है। अब एक्यूरेसी कैसे देखते हैं? एक्यूरेसी देखते हैं हम एवरेज निकाल के, ठीक है? आप एवरेज निकालो, 2 रीडिंग्स लेना आपने, जैसे स्टूडेंट ए ने लिया था 1.95 एंड 1.93, दोनों रीडिंग्स का एवरेज निकाला तो आया 1.940। सिमिलरली स्टूडेंट बी ने 1.94 एंड 2.05, तो आपका जो एवरेज आया दैट इज योर 1.995 आया। सिमिलरली स्टूडेंट सी जो है उसका 2.01 और 1.99 एवरेज आ गया 2। तो ट्रू वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू था, एक्चुअल जो वेट था सब्सटेंस का, वो 2 ग्राम ही था
और 2 एक्चुअल किसका आया है, स्टूडेंट सी का आया है। तो स्टूडेंट जो सी का है वो जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट है, ठीक है, वेयर एज ए और बी का रिजल्ट एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। तो प्रिसाइज और एक्यूरेसी में शायद आपको फर्क समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं, हाँ अभी हम देखते हैं कि जनरली हम क्या करते हैं कि जैसे कोई बड़ा नंबर होता है ना, कई बार कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम नंबर को राउंड ऑफ करते हैं, है ना, आपने देखा होगा जो डेसिमल्स वाले नंबर होते हैं हम अक्सर उसको राउंड ऑफ करते हैं। तो राउंड ऑफ करने के रूल्स होते हैं, रूल्स कैसे, लाइक अगर आपका राइट मोस्ट डिजिट जो है जो आप रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है, मतलब आप नंबर छोटा करोगे ना, अगर आपको कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करनी है तो जाहिर सी बात है आप अपना नंबर को छोटा करोगे, ठीक है। तो जो नंबर आप रिमूव करना चाहते हैं राइट मोस्ट डिजिट से, अगर वो नंबर मोर देन फाइव है तो उससे जो पहले वाला नंबर होगा, जैसे सपोज करो ये नंबर है 1.386, तो राइट मोस्ट डिजिट कौन सी है आपकी, 6, है ना। अभी ये कितना है, डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक है, आप डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक इसको लाना चाहते हैं, तो ये जो 6 है ये मोर देन 5 है, तो आप क्या करोगे, इससे जो पहले वाला नंबर है दैट इज योर 8 को क्या करोगे, इंक्रीज बाय 1 कर दो, ठीक है, 8 में 1 ऐड कर दो। अगर 8 में आपने 1 ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा, 1.39, तो ये आपका राउंड ऑफ हो गया, ये आपकी फिगर जो आपका नंबर है ये आपका राउंड ऑफ कर दिया आपने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आपकी जो राइट मोस्ट डिजिट है, सेकेंड रूल कि राइट मोस्ट डिजिट अगर आपकी लेस देन फाइव, देखो जैसे ये नंबर है 4.334, राइट मोस्ट कौन सी है, ये वाला है ना 4, है ना, दिस वन जहाँ पे मेरा एरो है, तो ये जो है आपका लेस देन 5 है, तो अगर लेस देन 5 होता है तो आपने सिर्फ बस राइट मोस्ट डिजिट को रिमूव करना है, उससे जो पहले वाला नंबर है उसमें 1 ऐड नहीं करना, ठीक है। अगर ये लेस देन 5 है तो इससे पहले वाले नंबर में 1 ऐड नहीं करना, सिर्फ इस राइट मोस्ट डिजिट को रिमूव कर दो, तो ये जो नंबर है, ये वाला जो नंबर है राउंड ऑफ हो गया, क्या आंसर आएगा, 4.33 आएगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, अगर आपका राइट मोस्ट डिजिट 5 ही हो, पहले देखा मोर देन 5, दूसरे केस में देखा लेस देन 5, अभी जो तीसरा केस कह रहा है कि अगर नंबर जो राइट मोस्ट डिजिट में है वो 5 ही है तो क्या करना है, फिर हमारे पास दो रूल होते हैं, हमने क्या देखना है, उससे जो पहले वाला जो नंबर है प्रिसीडिंग नंबर जिसे हम बोलते हैं राइट मोस्ट डिजिट से पहले जो नंबर है उसको देखना है, अगर वो नंबर इवन है, ठीक है, अगर तो वो नंबर इवन है तो उसको चेंज नहीं करना, अगर वो नंबर ऑड है तो उसमें 1 ऐड कर देना है, ठीक है। देखो यहाँ पर देख लीजिए, देखो 6.35 है ना, इसको राउंडेड करना है मैंने, देखो ये जो लास्ट डिजिट है ये 5 है ना, एग्जैक्ट 5 है, तो क्या करूंगी, इससे पहले वाले नंबर को देखूंगी, तो 3 है इससे पहले वाला नंबर, तो 3 क्या है, इवन है या ओड है, ओड नंबर है, तो इसमें क्या करूंगी, 1 ऐड कर दूंगी, तो क्या बन जाएगा, 6.3 से 5 का 6.4 बन गया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे देखो 6.25 है ना, यहाँ पे क्या ये लास्ट डिजिट 5 है ना, बट इसको राउंड ऑफ करने के लिए पहले वाला नंबर देखना पड़ेगा, देखा क्या, 2 आपका इवन नंबर है, तो इवन नंबर में कुछ भी आपने ऐड बैड नहीं करना, तो सिंपली आपने राइट मोस्ट डिजिट को रिमूव कर देना, जब इसको रिमूव कर दोगे तो नंबर क्या बन जाएगा, 6.2, ठीक है। तो ऐसे आपने राउंड ऑफ करना है अपने उसको। उसके बाद है डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है, इसलिए डायमेंशनल एनालिसिस में हम आपको बताएंगे कि आपने एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करना है, हालांकि इनका अपना एक मेथड है यूनिट फैक्टर मेथड, या जिसको हम बोलते हैं फैक्टर लेबल मेथड या डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है, बट आई डोंट थिंक सो कि आपको इस मेथड को फॉलो करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन होती है ना यूनिट कन्वर्जन की, तो आप सिंपली कर सकते हो, इतना इन्होंने बड़ा लेंथी प्रोसेस बता रखा है, मेरे हिसाब से बड़ी सिंपली हो जाएगा। देखो क्वेश्चन है, अ पीस ऑफ मेटल इज 3 इंच, 3 इंच की एक मेटल है, क्लियर, व्हाट इज इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर, ठीक है, यूनिट कन्वर्जन ही पूछा है, 3 इंच जिसकी मेटल का पीस है जो लंबा था उसको बताना है कितना सेंटीमीटर में कितना होगा ये, ठीक है। तो क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि इंच को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो मैं बता दूं, 1 इंच, इंच का जो होता है आई एन लिखते हैं, स्मॉल आई और स्मॉल एन, ये इंच का सिंबल है, ओके, 1 इंच जो होता है वो 2.54 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, ठीक है, ओके। अब 3 इंच किसके इक्वल होंगे, क्या करूँ मैं, 3 को सीधा 2.54 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, अगर मैं 3 को देखो यहाँ पे नीचे जहाँ मेरा एरो आ गया,
3 इंटू 2.54 कर दूं तो वैल्यू आ गई है 7.62 सेंटीमीटर। तो मेरा जो 3 इंच था वो मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया है। इनका जो यूनिट फैक्टर मेथड है वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने बोला कि 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर के इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि 1 इंच डिवाइडेड बाय 2.54 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 1, है ना। अगर मैं इस नंबर को इधर राइट हैंड साइड में ले जाऊं तो ये डिवीजन में जाएगा, है ना, जाएगा ना डिवीजन में, वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी ऑब्वियसली। अब सिमिलरली अगर मैं इस 1 इंच को राइट हैंड साइड में ले जाऊं तो क्या होगा, ये डिवीजन में जाएगा। तो ये 2.54 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 1 इंच, इसका वैल्यू भी क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, इक्वल है ना। इसको इससे काटोगे तो 1 ही तो आएगा। ओके, तो अब ये जो कहते हैं कि इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 है। अभी आपको क्या करना है, 3 इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करोगे, कौन सी वैल्यू उठाओगे, ये वाला फैक्टर उठाओ। ये वाला फैक्टर क्यों उठाया मैंने, ये वाला फैक्टर, क्योंकि जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी ना, यहाँ पर 2.54 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 इंच को 3 इंच से मल्टीप्लाई करूंगी तो इंच से इंच कैंसिल हो जाएगा, है ना, और जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, सेंटीमीटर में आ जाएगी। तो 3 इंटू 2.54 सेंटीमीटर। तो ये सिंपली कुछ नहीं है, ये हमने थोड़ा सा डिटेल में बता दिया है। ऐसे मेथड्स आप सिंपली आपको पता होना चाहिए, 1 इंच में इतना होता है तो 3 में कितना होगा, सीधा डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अ जग कंटेन्स 2 लीटर ऑफ मिल्क, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द मिल्क इन मीटर क्यूब। आपने बताना है कि 2 लीटर जो मिल्क है वो कितने मीटर क्यूब के इक्वल होगा, ठीक है। तो पहले पता होना चाहिए जो 1 लीटर होता है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। ये किसी बहुत से बच्चों को नहीं पता होता, ठीक है। 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, ठीक है। और एक बात बता दूं, एक सेंटीमीटर क्यूब 1 मिलीलीटर के इक्वल होता है, ठीक है। लिख सकते हो कहीं पर, 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है, 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 मिलीलीटर के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया कि जो एक, अच्छा अब इसको कन्वर्ट करना है लीटर को मीटर क्यूब में, ठीक है। क्या करना है, आपने मीटर क्यूब ले लिया, 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100, तो लिखना 100 सेंटीमीटर और उसका कर दिया क्यूब। अब 100 का जब क्यूब किया तो कितना जीरो आएगा, 6246 सेंटीमीटर क्यूब। इस चीज को मैंने, इस नंबर को मैंने एक और तरीके से लिखा है, कैसे लिखा है, अगर मैं 1000 इंटू 1000 करूंगी तो यही नंबर आएगा ना, तो मैंने लिख दिया 1000 इंटू 1000 ब्रैकेट में कर दिया और बाहर क्या था मेरा, सेंटीमीटर क्यूब एज इट इज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1000 सेंटीमीटर क्यूब है ना, दिख रहा है ना यहाँ पे 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये किसके इक्वल होता है, अभी तो बताया 1000 सेंटीमीटर क्यूब है 1 लीटर के इक्वल। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 1000 सेंटीमीटर क्यूब की, 1 लीटर, तो 1 लीटर इंटू 1000 विल बी इक्वल टू 1000 लीटर, ठीक है। ओके, तो 1 मीटर क्यूब कितने लीटर के इक्वल है, 1000 लीटर के है, ठीक है, 1000 लीटर के है। अब 2 लीटर कितना होगा बताओ मुझे, 2 लीटर को कैसे करोगे मीटर में, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर है ना, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर है, तो 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब हुए, 1/1000, है ना, और 2 में कितने होंगे, 2/1000। तो बस क्या करो आप, 2 लीटर को आपने 1000 से डिवाइड कर दीजिए आप, तो 0.02 लीटर आपका आंसर आ जाएगा। देखो 2 इसको 2 × 10⁻³, ठीक है, 0.002, पता ना 0.002 क्यों है, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखो हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन 2 डेज, कितने सेकेंड होते हैं 2 दिनों में, ये बहुत सिंपल है ना, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटों में कितने मिनट, एक घंटे में 60 मिनट, एक मिनट में कितने सेकेंड, 60 सेकेंड। तो एक दिन में कितने सेकेंड होते हैं पता है आपको, 24 × 60 × 60, एक दिन में इतने सेकंड्स होते हैं। 2 दिन में कितने होंगे, उस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो सीधा, सिंपल, देखो सिंपल करो, 2 × 24 × 60 × 60, वैल्यू विल बी 172800 ग्राम सॉरी सेकंड। ओके, एक दिन में 24 घंटे और एक घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट, 60 मिनट है ना, और एक मिनट में कितने सेकेंड, 60 सेकेंड, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा ये वाला टॉपिक है नहीं, फिर भूल जाते बताना, ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये जो लॉज है ना केमिकल कॉम्बिनेशन की, ये इस बार रिमूव कर दिया है, तो ये 1.5 टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसका कोई भी लॉ आपने नहीं पढ़ना है। नाउ जो अभी आपके पास डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है वो भी सिलेबस में नहीं है, ये भी रिमूव कर दिया है वैसे,
और अभी जो है वो एटॉमिक एंड मॉलिकुलर मासेस पढ़ने हैं हमने, ठीक है। तो एटॉमिक मासेस आपको पता है कि एटम के मास, ठीक है। तो जनरली हमारे पास, हम ऐसे तो वे तो कर नहीं सकते हम एटम्स को, आपको पता है, क्योंकि देख तो सकते नहीं हम उसको, वे कैसे करेंगे। तो हमारे पास कुछ बेटर टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम एटम के मास को फाइंड आउट करते हैं, क्लियर। अच्छा, आपने अभी टर्म जो आपने कार्बन 12 का, कार्बन के आइसोटोप्स पढ़े होंगे, कार्बन के तीन आइसोटोप्स होते हैं, 12C, 13C एंड 14C, ठीक है। आइसोटोप्स क्या होते हैं? सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक मास, ठीक है। जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट मास डिफरेंट होता है। तो जो 12C, 13C, 14C है ना, एटॉमिक नंबर तो सेम है सबका। कौन सा है एटॉमिक नंबर, क्या है सबका? 6 है, ठीक है, बट मास सबका डिफरेंट है। एक का 12 है, एक का 13 और एक का 14 है, ठीक है। तो इनिशियली एटॉमिक मास को डिफाइन करने के लिए एएमयू यूनिट यूज की जाती थी। एएमयू, एएमयू इज व्हाट? एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो जो एक एटॉमिक मास यूनिट है वो किसके इक्वल होती थी? दैट विल बी इक्वल टू दी 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन 12। मतलब अगर मान लो एक कार्बन 12, कार्बन 12 मतलब समझ के ना, कार्बन 12 वाला आइसोटोप, कौन सा आइसोटोप लिया? आइसोटोप लिया जिसका 12 मास है कार्बन का, वो वाला आइसोटोप, ठीक है। उसका अगर आपने मान लो एक वाटरमेलन, आप इसको ऐसे सोचो कि मान लो एक वाटरमेलन है, ठीक है। वो वाटरमेलन आपका क्या है? वो 12 कार्बन है आपका, ठीक है। उसके अगर मैं 12 इक्वल पीसेस कर दूं, है ना, 12 मैंने इक्वल पीसेस कर दिए, ठीक है, सिमेट्रिकली एकदम, ठीक है। तो उसका जो एक पीस होगा ना, 12 हिस्से किए ना मैंने उसके, 12 पार्ट्स कर दिए मैंने उसके, तो जो 1 पार्ट होगा उस वाटरमेलन का, दैट विल बी इक्वल टू 1 AMU, मतलब एक एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल होगा, समझे। मतलब जो कार्बन है ना, 12 कार्बन, उसको अगर मैं 12 उसके पार्ट्स कर दूं ना, इक्वल पार्ट्स, तो उसका जो 1 पार्ट होगा, 12 में से अगर एक उठाओ ना, आप एक पार्ट उठा लिया आपने, वो जो 1 पार्ट होगा वही 1 एटॉमिक मास यूनिट कहलाएगा, ठीक है, ओके। तो एग्जैक्टली जो, अगर ये तो समझने डेफिनेशन की बात हुई, अगर मैं बात करूं कि एक AMU एग्जैक्टली कितने ग्राम्स के इक्वल होता है, तो दैट विल बी इक्वल टू 1.66056 × 10^-24। तो बहुत छोटी वैल्यू है, दैट इज -24। देखो बहुत छोटी वैल्यू है, कितने मुश्किल हुआ होगा इसको मेजर करना, आप आइडिया लगा सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं, उन्होंने एक हाइड्रोजन का एटम लिया, उसका मास फाइंड आउट किया। तो हाइड्रोजन की जो एटम का मास है, दैट इज 1.6736, 1.6736 × 10^-24। ये इससे इसके आसपास तो है वैल्यू, बट ये दोनों जो मासेस है वो सेम नहीं है। तुम देख भी सकते हो, 1 AMU जो है 1.66 समथिंग है, पावर में क्या है? -24। यहाँ पर 1.67 है और पावर में -24। तो जो वैल्यू है ना एक AMU की और एक हाइड्रोजन की, वो नियरली सेम है बट एग्जैक्टली सेम नहीं है, ठीक है, एक दूसरे की आसपास वाली वैल्यू है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने हाइड्रोजन का जो मास है वो AMU की टर्म्स में फाइंड आउट करेंगे। ये तो ग्राम्स में था, AMU की टर्म्स में फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो वैल्यू है ना, फर्स्ट वैल्यू 1.66 × 10^-24, इससे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। हाइड्रोजन का जो मास आपका आया है ना, ये इसको 1 AMU में जितने ग्राम होते हैं ना, उससे डिवाइड करना पड़ेगा। देखो जो कर दिया, 1.67 को 1.66 से डिवाइड कर दिया, तो जो वैल्यू आई है, दैट इज इक्वल टू 1.0078 AMU। इसको राउंड ऑफ करोगे, राइट मोस्ट डिजिट को अगर रिमूव करना है, अगर वो मोर देन 5 है, ये 8 क्या है, मोर देन 5 है, तो इससे जो प्रीवियस नंबर होगा, दैट इज जो 7, इसमें क्या करोगे, 1 ऐड कर दोगे, तो इक्वल हो गए 1.008 AMU के, ठीक है। सिमिलरली जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना है मास AMU टर्म में? 15.995। अगर आप इसे राउंड ऑफ कर दोगे तो 16 ही आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, प्रेजेंटली हम AMU नहीं लिखते, हम U लिखते हैं सिर्फ। U मतलब यूनिफाइड मास, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट को रिप्लेस कर दिया है यूनिफाइड मास से, टर्म वही है जो एटॉमिक मास यूनिट, बस लिखने का तरीका अलग कर दिया। पहले AMU लिखते थे, अभी सिर्फ U लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद है एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है, क्लियर। एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे हम आपको बता दें। देखो अगर एवरेज एटॉमिक मास हम निकालते हैं उनके, जिनके एक से ज्यादा आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं, जैसे आपका कार्बन है, तो कार्बन का क्या, 12 कार्बन है, 13 कार्बन है, 14 कार्बन है, तीन आइसोटोप है ना। फिर हमने देख लिया इनकी रिलेटिव एबंडेंस,
abundance मतलब वो किस रेशियो में पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो मान लो अगर 100 कार्बन है ना, 100% कार्बन है आपके पास, तो उसमें से 98.892% क्या होगा, आपका 12 वाला कार्बन होगा, जिसका मास क्या है, 12 है, ठीक है। और ओनली 1.108 कौन सा कार्बन है, जिसका मास 13 है। सिमिलरली 2 × 10⁻¹⁰ इतना कम कौन सा कार्बन है, जिसका मास 14 है। तो ये देखा हमने, सबसे ज्यादा तो 12 वाला ही होगा, ये 13 वाला भी बहुत कम है और 14 वाला तो बहुत ही कम मिलता है नेचर में, ठीक है। अब हमने इनके एटॉमिक मास लिख लिए, तो 12 वाले का तो 12 है और 13 वाले का है 13.000335, ठीक है। 14 का 14.00317, इनके मासेस देख लिए। अब आपको ये क्वेश्चन में गिवन होता है, पूछा है कि एवरेज एटॉमिक मास बताएं, कैसे बताओगे, इनकी अबंडेंस को, इनकी अबंडेंस को 12 में से मल्टीप्लाई करना है, इसकी अबंडेंस को इसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करना है और इसकी अबंडेंस को इसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और जो अबंडेंस है वो आपने परसेंटेज में नहीं लेनी है, वो सिंपल पॉइंट्स में लेनी है, ठीक है। इसको मतलब अगर आप डिवाइड बाय 100 करो, फ्रैक्शन निकालने हैं आपने, इतना वैल्यू है, टोटल कितना है 100 होगा, तो 98.892 डिवाइड बाय 100 करोगे तो क्या आएगा, 0.98892 आ जाएगा। तो मतलब आपने परसेंटेज नहीं लेना, आपने फ्रैक्शन लेना है एवरेज एटॉमिक मास निकालते हुए। मल्टीप्लाई कर दिया 12 से, फिर इसकी फ्रैक्शन ली 13 से की, फिर इसको मल्टीप्लाई किया, इसके लिए इसको मल्टीप्लाई कर दिया, जो वैल्यू आई है दैट इज इक्वल टू 12.011U, ठीक है। ये 12 जो कार्बन है आपका, जो सिंपल कार्बन है आपका, उसका एवरेज एटॉमिक मास है। क्योंकि ये हमने क्यों निकाला, क्योंकि देखो अब कार्बन जो है वो तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। अब आपको कि हमें क्या पता कौन सा 12 लेना है, 13 लेना है, 14 वाला लेना है कार्बन, तो इसलिए उन्होंने तीनों का मिलाकर एक एवरेज एटॉमिक मास निकाल दिया। तो अगर आपको कार्बन कहीं लेना है, किसी कार्बन का मास लेना है, तो आपको वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 12.011U, ठीक है, ओके। तो ऐसे आपने एवरेज एटॉमिक मास निकाल लेने हैं। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे, सिर्फ मॉलिक्यूल जो भी है आपका, जैसे मीथेन है ना, मॉलिक्यूल है मीथेन CH4, एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, तो कार्बन कितना लिया, एक, तो एक कार्बन का मास कितना है, 12.011, आपने देखा अभी एवरेज एटॉमिक मास, प्लस 4 क्या है, हाइड्रोजन है, तो 4 × एक हाइड्रोजन का मास 1.008U, ठीक है, यूनिफाइड मास, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किया, देन इसको इसमें ऐड किया, तो वैल्यू आ गई है 16.043U। तो सिर्फ कुछ नहीं करना है आपने, किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए पहले तो आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, देन फॉर्मूला से आपने देखना है कि जितना एटम है, जो एटम है उसका एटॉमिक मास लें, ठीक है। अगर एटम एक से ज्यादा है तो उसके एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई करें उसके नंबर से, मतलब जैसे 4 हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं, तो एक हाइड्रोजन के मास को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो हमने यहाँ पे किया है। सिमिलरली आप वैसे पानी का भी देख सकते हो, पानी का भी निकाला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास क्या होता है, फॉर्मूला मास सेम ही है मॉलिक्यूलर मास, बस फॉर्मूला मास जो टर्म है वो इनके लिए यूज होती है, वो आयनिक सॉलिड्स के लिए यूज होती है। अब आयनिक सॉलिड्स पता है ना आपको, आयनिक कंपाउंड्स जो आपने पढ़े थे क्लास 10th में, जो आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, ठीक है। तो जो NaCl का जो टोटल मास होगा ना, जैसे आप मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, NaCl का अगर आप मास निकालोगे तो उसको आप मॉलिक्यूलर मास ना बोलकर फॉर्मूला मास कहेंगे, क्योंकि जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग रहती है और जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, इस वजह से दोनों के लिए टर्म यूज अलग अलग ही है, बाकी कंसेप्ट सेम है। जैसे सोडियम क्लोराइड है NaCl, एक सोडियम है फॉर्मूला में और एक क्लोरीन है, तो सोडियम का मास होता है 23, क्लोरीन का होता है 35.5, आपने दोनों को ऐड कर दिया, दैट इज योर 58.5U। तो ये किसका है, ये NaCl का फॉर्मूला मास है, ठीक है। फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास में कंफ्यूज नहीं होना, सेम ही चीज है, बस फॉर्मूला मास हम जो टर्म है वो हम आयनिक कंपाउंड्स के लिए यूज करते हैं, वेराज जो मॉलिक्यूलर मास है वो कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए यूज होता है, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।